दोस्तों आपके मन में पक्का एक डाउट उठती होगी, आखिरकार हर यूट्यूबर आदमी जो भी बीएड कूपन डाल रहा है पेपर में, वो पेपर के नीचे उठाकर डाल दे रहा है और बाहर से कुछ नहीं डाल रहा है, या फिर पेपर का रामकथा मुझे सुना जाता है, क्या मैं पेपर नहीं पढ़ सकता? दोस्तों ऐसी बात ही सही है, बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल सही है। जो भी यूट्यूबर्स है, खासकर मैं भी ऐसे में से एक आता हूं जो अपने पेपर का न्यूज उठाकर डाल देता हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसा झोलमोल चल रहा है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, लेकिन कहीं जाकर कोई न्यूज नहीं ले पा रहा है, एनएनयू की तरफ से कोई न्यूज ही नहीं आ रही है। तो भाई आदमी को थोड़ा सा संतुलित करने के लिए कहीं ना कहीं से न्यूज तो चाहिए ना, कि आदमी थोड़ा कंट्रोल में रहे। अब दोस्तों क्या कर सकता हूं, मुझे यह वीडियो दोस्तों बनाना पड़ गया, लेकिन आज की भी वीडियो है दोस्तों पेपर के से ही है। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो है सो पेपर से ही मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? तो उसके लिए माफी चाहता हूँ अगर मन में ये बात सोचते हैं अगर कि पेपर का न्यूज है। दोस्तों पेपर का न्यूज ही आप लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है, पढ़ लीजिए, कुछ जान लीजिए, क्योंकि हर पेपर में हर न्यूज आती है, तो देख लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो अपना। फ्रेंड्स, बीएड अभ्यर्थियों को मिल सकता है दाखिले का मौका। बीएड अभ्यर्थियों को पहली मेगा सूची के आधार पर नामांकन का एक मौका और मिल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में एनओयू की ओर से दायर याचिका में यह गुहार भी लगाया गया है कि पहली सूची में आए बीएड अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए एक विशेष दिवस की स्वीकृति दी जाए और 17 अगस्त तक पहली मेगा सूची के आधार पर नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई थी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद राजकीय शोक की वजह से संस्थान बंद रहे। ऐसे में हजारों छात्र नामांकन नहीं ले सके थे और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इधर छात्रों में नामांकन के लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी है और छात्र लगातार एनओ की ओर दौड़ लगा रहे हैं ताकि जल्दी तस्वीर साफ हो सके, और छात्रों की नजर कोर्ट के आदेश की ओर टिकी है और एनओयू प्रशासन भी सुनवाई से पहले इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बेहतर रिजल्ट लाने के बावजूद नामांकन न हो पाने से छात्रों में मायूसी से छा गई है और बीएड अभ्यर्थियों के मामले में लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 17 अगस्त तक जो नामांकन की आखिरी डेट दी गई थी फ्रेंड्स, उसमें कितने बंदे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए। अब उन लोगों का एडमिशन कैसे होगा, उसको लेकर फ्रेंड्स गंदा ओपन ने अपना एक मामला जो है सबने साफ साफ वहां कह दिया है वो फ्रेंड्स कि आपका जो एडमिशन जो होगा सो आप फैसला उस पर हो रहा है और बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। मैं कई कमेंटे मेरे पास कमेंट भी किए थे दोस्तों हमारे सर लोग कि सर ऐसे ऐसी बात है एडमिशन मेरी नहीं हो रही है, तो ऐसा दोस्तों आके सर प्रॉब्लम। तो आप भी दोस्तों मन में ऐसे सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए इस बात को और इस वीडियो को जहां जहां शेयर कीजिए ताकि आदमी को अपने मन में संतुलन जो है सो बनाए रखे और आदमी घबराए नहीं कि हाँ रिजल्ट कब आएगी। शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, कुछ भी हो, कहीं भी यूट्यूब पर कहीं भी। इस वीडियो को कॉपीराइट कोई क्लेम नहीं आएगी, आप पर इस वीडियो को डाल दीजिए, अपने शेयर कीजिए, इस वीडियो पर दोबारा अपलोड कीजिए। अगर आपको चैनल है दोस्तों बिहार का तो दोस्तों इस चैनल इस वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, कुछ भी कीजिए, काट छाट मैं समझ नहीं आता हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचाइए, ठीक है? इसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगी, कहीं भी लगा लिए इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और दोस्तों यही कहूंगा कि आगे अगर कोई भी आपको चाहिए बीएड के ऊपर में तो रिजल्ट या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट आराम से कर दें और सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करके जाना, लाइक नहीं करोगे ना तो आगे की वीडियो आएगी ही नहीं, ठीक है? कम से कम इसमें 60, 70, 80 जितना लाइक हो सके उतना पहुंचा रहा हो, एक एक बंदा इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि सबको नॉलेज कुछ ना कुछ चाहिए, गेन तो हुई होगी। तो चलो दोस्तों फिर मिलूंगा एक वीडियो नए वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार, सब्सक्राइब करना चैनल को।